सभी का स्वागत है। तो सुन में कहा भाई, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिमालयन का क्लच फिट किस तरह चेंज करना चाहिए। आज गाइस मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, फुल फिटिंग बताऊंगा क्लच का, हिमालयन का क्लच फिट किस तरह डिटेल के साथ वीडियो होने वाला है। इसको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे किस तरह आप क्लच पर चेंज कीजिएगा, पूरा है तो वीडियो होना। वीडियो को सिर्फ आप लोग लास्ट तक देखना, चैनल का पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्या कहते तो मेरे चैनल में इस तरह बैक से वीडियो मेरे चैनल का मिलती रहेगी। चलिए लेट्स गो स्टार्ट। वीडियो को शुरू करने से फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल का पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लिया और मेरे वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे जरूर मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग गाइस क्लच प्लेट का हाथ देख सकते हैं, मतलब क्लच प्लेट गाइस हम लोग पूरा खत्म हो चुका है, जाकर आप लोग क्लच प्लेट देख सकते हैं क्लच प्लेट का हालत। और सेंटर भी वगैरह इसको खा चुका, बट मैं इसको चलाऊंगा कि मेरे पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो चलिए चुटिया आता है, इसमें हम लोग का स्लीपर क्लच है। आप लोग को पता है स्लीपर क्लच किसे कहते हैं दोस्तों? हम लोग का स्लीपर क्लच उसे कहते हैं, हम लोग का दोस्तों सबसे पहले दोस्तों प्रेशर प्लेट, हम लोग ऐसे नॉर्मल क्लच प्लेट में सबसे पहले हम लोग क्लच प्लेट देते हैं, इसमें दोस्तों स्लीपर क्लच जिसे कहते हैं। स्लीपर क्लच का मतलब होता है कि सबसे पहले हम लोग का प्रेशर प्लेट जाएगा, देख सकते हैं ये प्रेशर प्लेट है। और नीचे का मैं चुड़ी लगा दे दूँ, हम लोग का जो लेदर जैसा बना हुआ है, मतलब जो निशान दिया है ऊपर साइड आएगा, तो प्लेट अंदर साइड आएगा, इसे कहते हैं स्लीपर क्लच। आप तो हम लोग क्लच पर प्रेशर प्लेट साइड डाल देंगे, हम लोग उससे सबसे नीचे प्रेशर प्लेट आएगा और सबसे ऊपर लास्ट में क्लच प्लेट आएगा। तो इसमें गाइस इसे कहते हैं स्लीपर क्लच। इसका तो हम लोग का आर टी आर में भी इस तरह आता है, आठ आर फोर में किसी किसी बैक में उसको स्लीपर क्लच दिया जाता है, आर टी आर में भी टी वी एस में दिया है। तो बड़े दोस्तों चलिए इसको लगाते हैं। तो स्लीपर क्लच दोस्तों हैवी हैवी बाइक में दिया जाता है, इस तो ऐसे हैवी बाइक है इसलिए इसमें स्लीपर क्लच दिया गया। तो हम लोग इस प्रकार से फिटिंग करें, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट इस तरह का हम लोग इसको फिटिंग कर देंगे इजिली। आप लोग देख सकते मैं इसका इस तरह फिटिंग कर रहा हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा क्लियर। ऐसे में हम लोग का प्रेशर प्लेट उल्टा सीधा होता है, इसलिए ध्यान देकर फिटिंग करना होता है, आप लोगों को सब जानना बहुत जरूरी है। हम लोग का जो निशान बना हुआ साइड, इसमें हम लोग का सबसे ऊपर क्लच प्लेट है, अंदर मेरा प्रेशर प्लेट लगा देख सकते हैं। और हम लोग लास्ट में इसका क्लच प्लेट दे देंगे और देख सकते हैं हमारा पुराना वाला क्लच प्लेट है, ये मतलब पूरा जाल के खत्म हो चुका है, पूरा सो हिल चुका है, प्रेशर प्लेट है और क्लच प्लेट है। तो मतलब पूरा तो क्लच प्लेट जल के खत्म हो चुका है मेरा पुराना वाला, देख सकते हैं पूरा इसका खत्म है जल के। अब मैं इसका सेंटर आपको लगा दूंगा, अब यह उसके ऊपर वॉशर है, वॉशर को आप चाहे तो बाद में लगा सकते हैं, ये पर बस बूस भी है। अब इस बूस को भी आप लोग सीधा करके अच्छा से लगा ले, आप चाहे तो इस बूस को पहले भी लगा सकते हैं बाद में लगा सकते हैं। इस प्रकार से लगाने के बाद अब हजिंग को हम डाल देंगे अंदर, इसको हजिंग में कुछ टाइम और नहीं होता, हजिंग में आप किधर से लगा सकते हैं, इस हजिंग में हम लोग टाइमिंग नहीं होता है, आप इसको किधर से लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग को अंदर एक वॉशर देना है, इस प्रकार से अब हम लोग क्लच के असेंबली को डाल देना है। इस प्रकार से गाइस हम लोग क्लच के असेंबली डाल देंगे, इसका परफेक्ट तरीके से हाउजिंग बैठना चाहिए और करारी के साथ अच्छा से बैठना चाहिए। और इसमें कुछ टाइमिंग वाला नहीं है हाउजिंग में, किधर से भी टाइमिंग हाउजिंग को लगा सकते हैं। जैसे हम लोग का पल्सर से जिसमें टाइमिंग होता है, इसमें से कुछ टाइमिंग नहीं है, आप इसको किधर से भी लगा सकते हैं। इस तरह से रोटेट करेगा जिसमें इजीली लग जाएगा, घुमाएंगे इधर उधर करके इजीली हम लोग उसका क्लच प्लेट इजीली हाफ सेंटर लग जाएगा हाउजिंग में। इस प्रकार से हम लोग घुमाते रहेंगे ना, इजीली लग जाएगा। आप चाहे तो इसमें दो बोल्ट का भी हेल्प ले सकते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है इस तरह तो आप दो बोल्ट का हेल्प लेकर आप इजीली सब चीज़ को आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो बट मैं बोल्ट वाला नहीं रहा, ऐसे लगा रहा हूँ इस प्रकार से रोटेट करके, बट थोड़ा टफ होगा, बट दो से लग जाता है, थोड़ा सा टफ होता है लेकिन लग जाता है। हैवी बाइक दोस्तों इसलिए टफ होना ही जाहिर सी बात है। आप सारा प्लेट चलेगा अंदर, मेरा तो अब दो प्लेट बाकी अंदर जाना, ये भी चल जाएगा, इसी बात नहीं भी चल जाएगा। गाइस मेरा फाइनली लग चुका है, आप चलिए एक लगाएंगे वॉशर। सबसे पहले गाइस हमें वॉशर लगाना पड़ेगा बोल्ट नट लगाने से पहले, चलिए मैं वॉशर लगाता हूँ। इस प्रकार से गाइस हम लोग का वॉशर रहेगा लॉक वॉशर, इसे हम लोग कहते हैं लॉक वॉशर भी कह सकते हैं साहब, क्योंकि हम लोग का नट को लॉक करता है वॉशर में, नट को हम लोग का लॉक करेगा। तो इसको लगाएंगे, इसको इस नट में हम लोग 27 नंबर का बोल्ट है, एक नट है इसमें गाइस हम लोग का सीधा चुड़ी है, इसका ध्यान, इसमें सीधा चुड़ी है और 27 नंबर का बोल्ट है। चलिए इस बोल्ट को लगाते हैं, नट को लगाते, सॉरी नट बोल रहे, इसको अच्छा से टाइट करना होगा लगाने के बाद। इस प्रकार से इसको हम लगा लेंगे, चलिए इसको लगाता हूँ मैं। अब इसको मैं टाइट कर दूंगा 27 नंबर का गोटिक की मदद से, एक मेरे पास गन है गाइस, गन की मदद से इसको हम लोग अच्छा से परफेक्ट तरीके से गाइस टाइट कर देंगे गन की मदद से। अब चलिए इसको टाइट करता हूँ मैं, बस इसको हम लोग टाइट कर देंगे। और सबसे टाइट मैंने कर दिया, अब जो ऊपर का जो हम लोग का
लॉक है इसको सबसे पहले हीट करना थोड़ा दबाना पड़ेगा, अगर अंदर में पत्ते दिया उसको थोड़ा हीट करना पड़ेगा तब जाकर अच्छा से बैठ जाएगा। देख सकते हैं क्लियर गाइस मैंने बैठ चुका है। अब हम लोग का लगाना स्प्रिंग इस प्रकार से। इसका हम लोग का रॉयल एनफील्ड का सीरीज में जितना भी बाइक है ना समय हम लोग का मतलब स्प्रिंग हार्ड रहा था। रॉयल एनफील्ड का भी मैंने क्लच स्पीड का अपलोड किया मेरे चैनल पर, तो उस समय में स्प्रिंग हार्ड रहा था मैंने देखा है उस समय बाइक में स्प्रिंग हार्ड रहता है। बात दोस्तों इसमें भी स्प्रिंग हार्ड ही है, तो चलिए मैं इस तरह लगा लेता हूँ स्प्रिंग को। थोड़ा टफ होगा बट दोस्तों लग जाएगा, थोड़ा सा टफ होता है बट लग जाएगा, बिंदास होकर लगेगा, ऐसा टेंशन लेने का नहीं है। इस प्रकार से लगाने के बाद तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें लोग बड़ा बोल्ट फंसाएंगे, क्योंकि छोटा बोल्ट हम लोग का उतना जाएगा नहीं, तो सबसे पहले हम लोग इसमें बड़ा बोल्ट फंसाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का चेंबर वाला बोल्ट होता है ना 8 नंबर का उसी को सबसे पहले फंसाना पड़ेगा, तब जाएगा हम लोग का छोटा वाला जो 10 मिलीमीटर का बोल्ट है तब जाकर उसका बोल्ट लगेगा। तो सबसे पहले हमको इसको लगाना पड़ेगा तब जाके हम लोग का बड़ा वाला बोल्ट लगेगा। चलिए सबसे पहले इसको मैं लगाता हूँ। इस प्रकार से हम लोग लगा लेंगे सबसे बड़ा बोल्ट को। अब बड़ा बोल्ट को थोड़ा सा हम लोग अंदर से टाइट कर लेंगे, इसके बाद फिर हमें छोटा बोर्ड लगाएंगे इसको। जब भी टाइट करें बराबर टाइट करें, हमेशा बताता हूँ मैं इस हर वीडियो पर कि इस सब नट जब भी टाइट करें क्लच वाला नट को हम लोग बराबर टाइट करें हम लोग, तो बराबर टाइट करके सबसे पहले बैठाना है। इसके बाद हम लोग का बाकी का बोर्ड है सबसे पहले लगाना। चलिए वीडियो को फास्ट कर दिया यहाँ से, फटाफट लगाते हैं ताकि आप लोग इस सब तो ईजिली लगा लीजिएगा। और गाइस मुझे एक चीज़ आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग इस चीज़ पहले पता था कि नहीं कि स्लीपर क्लच किसे कहते हैं, स्लीपर क्लच का मतलब क्या हुआ, स्लीपर क्लच फिटिंग कैसे होता है, इसके बारे में पता था कि नहीं मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। पता था मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। स्लीपर क्लच गाइस अब TVS वालों ने भी दिया है, अपाची जो 4V है दोस्तों उसमें भी स्लीपर क्लच दिया जाता है, किसी केस में स्लीपर क्लच रहता है, TVS वालों ने भी दिया है स्लीपर क्लच। तो हैवी बाइक दोस्तों अक्सर हैवी बाइक में स्लीपर क्लच रहता है, तो स्लीपर क्लच का फायदा यह है कि हम लोग का सेंटर हाफ है, जल्दी से खाता नहीं, सेंटर कटेगा तो हाफ जल्दी से कटेगा नहीं, ताकि हाफ में इसको लोड नहीं पड़ेगा, हमें प्रेशर प्लेट में लोड पड़ेगा। चलिए बाइक के बोर्ड लगाते हैं, इसको फाइनली पैक करते हैं, हो गया हमारा पूरा काम कंप्लीट। तो आप चलिए इसका फाइनली पैक करते हैं, मैंने बोर्ड लगा लिया और इसका हम लोग फाइनली पैक कर देंगे। अब यहाँ का बैरिंग भी है, बैरिंग को भी लगाना है, बैरिंग को भी चेक कर लेना लगाने के पहले। चलिए फाइनली कंप्लीट करते हैं, तो बैरिंग मैंने लगा लिया देख सकते हैं, एक बूस्टर था मैंने सफाई अच्छा से कर लिया। आप एक बैरिंग को लगा दूंगा, बैरिंग चेक कर लें आप लोग इस प्रकार से, गाइस थोड़ा हीट करके बैरिंग लगा लीजिए इजीली। अब फाइनल हो चुका मेरा पूरा काम कंप्लीट, अब हम लोग चैम्बर को लगा देंगे यहाँ पर देख सकते हैं, मैं चैम्बर लगाऊंगा मैं चैम्बर को इस प्रकार से। आप थोड़ा बॉन्ड वगैरह देखे चैम्बर को इजीली, फिर मेरे पैकिंग ठीक है, मैं चैम्बर को लगा रहा हूँ देख सकते हैं। फाइनल गाइस मेरा चैम्बर लग चुका है देख सकते हैं, मैंने लगा दिया फाइनली, तो हो गया मेरा पूरा काम कंप्लीट है। जो भी काम था आप लोगों को बताया डिटेल का, आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह आपको मैं बताया डिटेल के साथ कि किस तरह क्लच को चेंज करना चाहिए हिमालयन का, पूरा उसको डिटेल्स आप लोगों ने बताया। अगर इस वीडियो से आपको पसंद सीखने लग मिला होगा प्लीज़ मेरा वीडियो को इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे चैनल के अंदर इसी तरह सही पर रख से बाइक से रिलेटेड वीडियो में इस तरह का अंदर लिखाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिएगा फिर मैं तो नेक्स्ट वीडियो कुछ अच्छे से टॉपिक कर, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मैं तो नेक्स्ट वीडियो कुछ अच्छे से जानकारी लेकर।